वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी, मावा मटर की बर्फी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मावा और एक कटोरी मटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मटर को, ये मैंने मटर को बॉयल कर लिया है और इसका पानी निकाल लिया है, तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। अभी मैंने मटर को ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए, और इसको अभी एक कटोरी में निकाल लेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे। मेल्ट होने देंगे और इसी में डाल देंगे मटर जो मैंने ग्राइंड करके रखा है और इसको भून लेंगे। इसको मैंने बॉईल कर लिया है क्योंकि ये बहुत जल्दी भून जाएगा। अगर हम कच्चा मटर को ग्राइंड करके बनाएंगे तो बहुत टाइम लेता है। एक से दो मिनट इसको बस भूनेंगे। मटर अभी भून चुका है और इसी में हम डाल देंगे एक कप दूध। मिक्स कर देंगे मटर को अच्छे से इसमें और अभी इसी में डाल देंगे मावा यानी खोया। इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे दूध के साथ में। अभी गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अभी ये मिश्रण कुछ गाढ़ा होने लगा है तो इसी स्टेज पे हम डाल देंगे शुगर। शुगर पाउडर है ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर देंगे अच्छे से और पकाएंगे जब तक मिश्रण पैन को ना छोड़ने लगे। अभी डाल देंगे इलायची पाउडर, इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। अभी ये बैटर एकदम रेडी है, देखिए पैन को छोड़ने लगा है। तो अभी हम गैस को करते हैं बंद। इधर मैंने एक ट्रे को ग्रीस कर लिया है और इसमें डालेंगे बैटर को। अभी इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से बादाम के फ्लेक्स और थोड़ा पिस्ता के फ्लेक्स। वापस इसके ऊपर एक और लेयर लगा देंगे। इसके ऊपर लगा देंगे, मेरे पास सोने का वर्क है वो लगा देंगे। थोड़े फ्लेक्स भी लगा देंगे और इसको अभी रख देते हैं सेट होने के लिए। अभी ये सेट हो चुका है तो इसमें हम कट लगा देते हैं। आप अपने मन चाहे आकार में कट लगा सकते हैं, स्क्वायर या डायमंड। मैं स्क्वायर में लगा रही हूँ।
तो तैयार है हमारे हरे मटर और मावा की बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बर्फी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।